हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 31 दिसंबर 2018 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन की तरफ। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वह है कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के बारे में। कंटेक्स्ट यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसने कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जो कि इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि हमारे देश में जो भी पंचायती राज के चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, उनमें जो महिलाएं सिलेक्ट होती हैं उनको एक्चुअली ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए, उनमें कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए प्रोग्राम है, उसको भी अनुमति है वो दी है। तो यह ध्यान रखना कि पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन में जो इलेक्टेड वुमेन होती हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव करती है, जनता को रिप्रेजेंट करती हैं, उनमें कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोग्राम स्टार्ट है वो किया गया है। और ये प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। तो कंटेक्स्ट क्या हुआ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक बॉडी आती है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। उसके द्वारा हमारे देश में जो भी पंचायती राज के तहत वुमेन इलेक्ट होती हैं इलेक्शन में, उनकी कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। अब एक बात यहाँ पे आती है कि किस टाइप की कैपेसिटी। देखो, कैपेसिटी की बात यहाँ पे है कि हमारे देश में जो भी वुमेन इलेक्शन में इलेक्ट होती हैं उनको काफ़ी सारी चीज़ों का पता नहीं होता है, रियल ग्राउंड भी कंडीशंस के बारे में, इसी के साथ ही किस तरीके से उनको काम करना है, कौन कौन से मुद्दों को उन पर फोकस करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की तरफ महिलाओं का जो कंट्रीब्यूशन है, उनमें जो अवेयरनेस है, जो भी इलेक्ट हो चुकी हैं महिलाओं की चीज़ों की फोकस करने के लिए ये स्टेप है वो उठाया गया। तो ये हमें ध्यान में रखना कि ग्रास रूट लेवल पे काम है वो किया जाएगा ताकि जो भी इलेक्ट वुमेन इलेक्ट होती हैं वो वहाँ पे खुद काम कर सकें। अदरवाइज देखो होता क्या कि पंचायती राज में जो भी महिला इलेक्ट होती है, जैसे ये मान लो कि सरपंच के पद पे कोई महिला इलेक्ट हुई, तो उसका जो भी कार्यभार है वो या तो उसके हस्बैंड या फिर उसकी फैमिली के द्वारा ही संभाला जाता है, केवल नाम नाम की पावर है वो उसके पास होती है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए, ताकि भाई वुमेन है वो खुद एक तरीके से अपने आप को एम्पावर कर सके, वो खुद सारे डिसीजन ले सके, इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम स्टार्ट है वो किया गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी अहम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पंचायती राज आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आते हैं। अब देखो जो इम्पोर्टेंट रोल की हम बात करें स्टेट का, तो मैंने जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है और इसी के साथ ही स्टेट रिसोर्स सेंटर है, वो दोनों आपस में कोलैबोरेट करके वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ इस प्रोग्राम को अच्छे से इम्प्लीमेंट है वो करने वाली है। देखो स्टेट का रोल अहम हो जाता है, इसीलिए स्टेट है उसमें आगे अपने आप को कॉन्ट्रीब्यूशन को प्रमोट है वो कर रहा है। अब इससे फायदा क्या होगा, इसका फायदा देखो ये होगा कि महिलाओं में एग्रीकल्चर के बारे में डिसीजन लेना या फिर पंचायती राज डिपार्टमेंट के बारे में उनको पता हो, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो इनिशिएटिव हैं और रूरल डेवलपमेंट के जो मुद्दे हैं इनके बारे में वो अवेयर हो सकेंगी और खुद पॉलिसी मेकर या खुद डिसीजन वगैरह ले सकती हैं। तो इन चीज़ों की तरफ काम है वो किया जाएगा। तो ये था कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वह है गंगटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में। देखो कंटेक्स्ट यह है कि गंगटिक रिवर डॉल्फिन है उसकी संख्या काफ़ी तेजी से कम होती जा रही है और यहाँ पे फोकस किया गया है सुंदरवन रीजन को, कि जो सुंदरवन वाला रीजन है उसके यहाँ पे ईस्टर्न जो पार्ट है, जैसे ये आपको पता है कि सुंदरवन डेल्टा ये हो गया है इस तरीके से, तो उसका जो ईस्टर्न पार्ट है इस पार्ट में एक्चुअली गंगटिक रिवर डॉल्फिन है वो ना के बराबर बची हैं, और वेस्टर्न पार्ट है जो हो गया इस वाले हिस्से में कुछ डॉल्फिन है वो भी पाई जा रही हैं। इसका रीजन ये दिया गया है कि जो गंगटिक रिवर जो रिवर डॉल्फिन होती है ये साफ पानी में बह जाती है, फ्रेश वाटर में, और अभी क्या हो रहा है कि जो ये सुंदरवन वाला रीजन है इसमें सैलिनिटी बढ़ती जा रही है, तो उसकी वजह से इनका जीवन है, उनकी लाइफ साइकिल है वो प्रभावित हो रही है और उसकी वजह से इनकी संख्या में काफ़ी गिरावट है वो आ रही है। अब हम बात करें गंगटिक रिवर डॉल्फिन के बारे में, तो देखो मैन ओवर रोड में चार तरह की डॉल्फिन पाई जाती हैं। एक तो होगी गंगटिक रिवर डॉल्फिन जो कि गंगा रिवर के वाले रीजन में पाई जाती है, इसके बाद में एक है वो है यहाँ पे यांगतेजे रिवर में पाई जाने वाली रिवर इसकी डॉल्फिन, और तीसरे नंबर की वो है इंडस रिवर वाली डॉल्फिन, और चौथे नंबर वाली है अमेजोन रिवर में पाई जाने वाली डॉल्फिन। तो ये इस तरह के चार तरह की डॉल्फिन वो पाई जाती हैं। और अब हम बात करें गंगटिक रिवर डॉल्फिन की, तो वो आपको बताया कि इंडिया का जलीय राष्ट्रीय जलीय जंतु है। तो यह चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इंडिया का एक तरीके से हम बात करें कि जो राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है वो है गंगटिक रिवर डॉल्फिन, और यह इंडिया के जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसके शेड्यूल फर्स्ट में इसको प्रोटेक्शन दिया गया, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया गया है। इसके साथ ही IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें इंडेंजर्ड लिस्ट पे इसको रखा गया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि गंगटिक रिवर डॉल्फिन है वो इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के कुछ रीजन में पाई जाती है, तो यह हमें ध्यान में रखना, फ्रेश वाटर में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो डॉल्फिन की प्रजाति है फ्रेश वाटर में पाई जाती है, ना कि सेलिन वाटर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे इसके बारे में जो हमने यहाँ पे कवर किए।
चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम के बारे में। कंटेक्स्ट यह है कि हरियाणा गवर्नमेंट है वो इंडिया का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम को अप्लाई है वो की है। और हम बात करें हरियाणा में तो हरियाणा के अंदर भी करनाल और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट ने इस प्रोजेक्ट को पायलट बेसिस पे निर्भय फंड के तहत 2016-17 में इम्प्लीमेंट है वो कर दिया था। और अभी कंटेक्स्ट यह है कि और भी कुछ स्टेट हैं, 4-5 स्टेट, उन्होंने भी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है। तो वो सारे स्टेट के नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई सबसे पहले महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम है वो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। अब इसमें होगा क्या वो भी हम देखते हैं, इसके इनिशिएटिव्स के जो फीचर्स है वो। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसकी कोलैबोरेशन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है वो यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो ये फैक्ट देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है, ये दोनों मिलकर इस दिशा में काम कर रही हैं या इस प्रोजेक्ट को लोगों को फोकस कर रही हैं। अब देखो कुछ फीचर्स क्या रखे गए हैं। पहली चीज़ तो यह है कि महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम है क्या। देखो महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम ये है कि हर ग्राम जो पंचायत है उसमें एक महिला पुलिस वॉलंटियर होगी जो कि पुलिस और जो सोसाइटी के बीच में जो डिफरेंस है उसको कंप्लीट करने की या उस खाई को दूर करने की कोशिश करेगी। अब देखो होता क्या कि हमारे समाज में काफी कई बार वुमेन्स को काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है, जैसे सेक्सुअली हम बात करें या फिर और भी तरीके से उनको शारीरिक प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती हैं। तो उन सारे मुद्दों से उनको निजात दिलाने के लिए कि भाई वो कंप्लेन कर सकें पुलिस तक, तो इन सब चीज़ों के लिए देखो कोई ना कोई बीच में एक इंटरमीडिएट होने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में क्या है कि पुलिस और सोसाइटी के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। लोग पुलिस से डरते हैं, पुलिस है वो लोगों से मतलब काफ़ी मिसबिहेव भी करती है काफ़ी बार, तो इसलिए एक सोसाइटी में गैप बना हुआ है कि लोग पुलिस के पास जाना ही नहीं चाहते। तो उस गैप में कि ताकि भाई महिलाएं अगर उनके साथ कोई भी गलत प्रैक्टिस हो रही है उनसे वो डील कर सकें, उनके खिलाफ वो एक्शन ले सकें, इसके लिए महिला पुलिस वॉलंटियर वो काम करेंगी। होगा क्या, अगर गांव की कोई भी महिला है, कोई भी फीमेल पर्सन है, उसको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी रीजन से, तो वो क्या करेगी, महिला वॉलंटियर को अवेयर करेगी कि भाई देखो मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। उसके बाद में महिला पुलिस वॉलंटियर है वो पुलिस को कंप्लेन करवा के जो भी सोल्यूशन है वो उचित सोल्यूशन उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो भी FIR वगैरह एक्शन है वो। तो इस तरीके से बीच में कड़ी का काम है वो करने वाले हैं महिला पुलिस वॉलंटियर। अब देखो इसमें कुछ गाइडलाइन इस तरीके से रखी गई हैं कि महिला पुलिस जो वॉलंटियर बनने वाली है उसकी एज कम से कम 21 साल होनी चाहिए और वो 12th पास होनी चाहिए। इसके साथ ये कहा गया कि जो महिला पुलिस वॉलंटियर है वो उसी ज्योग्राफिकल एरिया की होनी चाहिए। जैसे कि ये मान लो कि दिल्ली के किसी एरिया में महिला पुलिस वॉलंटियर को बनाना है तो वो उसी एरिया की पर्टिकुलर होनी चाहिए, मतलब वो वहाँ की लोकल रेजिडेंस से होनी चाहिए ताकि उसको वहाँ की चीज़ों के प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से पता हो। इसके साथ ही यहाँ पे बात ये की है कि जो भी महिला पुलिस वॉलंटियर बनेगी उसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए कि भाई उसने पहले भी कोई क्राइम वगैरह कुछ ऐसा किया हो। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ फीचर्स इस तरीके का दिया कि वह किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, वह न्यूट्रल है वो होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हो। इसके साथ ही दिया गया है कि जो महिला पुलिस वॉलंटियर है वो स्टेट यूनियन टेरिटरी और पुलिस से जो कम्युनिटी है उनके बीच में गैप, जो भी डिस्टेंस है, जो भी खाई है उसको पाटने का काम है वो करेगी ताकि वुमेन्स को जो डिस्टेंस है उससे निजात दिलाई जा सके। इसके साथ ही ये प्रावधान किया गया कि जो हर एक ग्राम पंचायत में एटलीस्ट एक महिला पुलिस वॉलंटियर है वो होगी और उसका काम क्या होगा, महिला जो पुलिस वॉलंटियर होगी वो डायरेक्टली उस थाने में या जो भी उसके नियरेस्ट थाना होगा, जो भी उसको रिप्रेजेंट करा होगा, उस थाने में रिपोर्ट वगैरह जो भी एक्शन है वो लिए जाएंगी। इसके साथ ही इसमें ये किया गया कि जो महिला पुलिस वॉलंटियर हैं उनको कम्युनिटी के साथ लिंक करके रखना है ताकि वो जो भी सोसाइटी में कुछ भी इश्यूज हो रहे हो उनसे निपट सकें और जो भी कम्युनिटी वॉच ग्रुप है उनके ऊपर भी उसका ध्यान है वो रहेगा। तो इसके कुछ फीचर्स यहाँ पे किया गया है। इसके साथ ही जैसे सोसाइटी के अंदर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वुमेंस के अगेंस्ट या फिर चाइल्ड मैरिज हो रही है या फिर कोई दहेज का मामला हो या फिर कोई भी वायलेंस हो, कोई सेक्सुअल हो किसी भी और तरीके का, तो उन सब मामलों के बारे में जो महिला पुलिस वॉलंटियर होगी वो रिपोर्ट दर्ज करवा के सोल्यूशन से वो वहाँ पे मिलेगा। तो ये इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही एक प्रावधान ये किया गया कि जो महिला पुलिस वॉलंटियर है उसको गवर्नमेंट की तरफ से 1000 रुपये पर मंथ पैसा है वो फंड है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये कुछ फीचर्स थे महिला पुलिस वॉलंटियर स्कीम के बारे में जिसे हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड एंड चिल्ड्रन पोर्टल के बारे में, यानी कि CCPWC पोर्टल के बारे में। देखो ये जो पोर्टल है साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन पोर्टल, ये बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। और इसका मेन मोटो ये रखा गया है कि हमारे देश में जो वुमेन हैं और जो चिल्ड्रंस हैं उनके खिलाफ कोई भी पोर्नोग्राफी हो, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो या फिर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज हो या फिर मेटल कोई रेप वगैरह कुछ इश्यू हो या फिर कोई सेक्सुअल एक्सप्लोइट का मामला हो,
उन सब मामलों में, चाहे गैंग रेप हो या किसी और तरीके का रेप हो, उन सब मामलों में वो यहाँ पे रिपोर्ट है वो दर्ज करवा सकती हैं। मतलब ये जो ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, इस पोर्टल में कोई भी पर्सन जिसको हरास किया गया हो, वुमेन एंड चिल्ड्रन की लिस्ट में जो आता है, वो यहाँ पे अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकता है। उसकी आइडेंटिटी है वो यहाँ पे क्लोज है, वो रहेगी या सिक्योर है वो रखी जाएगी। तो इसलिए पोर्टल लॉन्च है वो किया गया। कई बार देखो होता क्या है कि हमारे सोसाइटी में कोई भी पर्सन हो, अगर उसके खिलाफ कोई भी वायलेंस हो, इस तरीके का हरासमेंट वगैरह, तो वो क्या कि रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाता। क्यों? क्योंकि उसको एक तो अपनी आइडेंटिटी का खतरा रहता है कि यार मेरा मजाक बनाया जाएगा, कहीं ना कहीं सोसाइटी में मेरा तिरस्कार है वो क्या जाएगा। और काफी बार उसे पता नहीं होता कि भाई कंप्लेन कैसे दर्ज करवाने हैं, काफी सारे इश्यूज होते हैं। तो उस कंडीशन में ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया कि भाई वहां पे वो कंप्लेन दायर कर सकता है। और फिर इस कंप्लेन को आगे जो भी इसका सॉल्यूशन करना है वो काम किया जाएगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, जो कि उसकी आइडेंटिफाई को चेक करेगा, इसके साथ ही देखेगा कि भाई ऐसा मामला है नहीं है, और उसके खिलाफ जो भी रिमूवल एक्शंस होंगे उन सबको यहाँ पे लिया जाएगा। और एक तरीके से जो स्टेट पुलिस है उसका काम यहाँ पे होगा, क्योंकि आपको पता है कि स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का काम हो तो स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है। तो इसलिए स्टेट पुलिस है वो उस मामले में इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेगी, जो भी जाँच वगैरह करनी है। तो ये उसको लेके न्यूज है वो आई है। अब हम चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की तरफ। आज का जो क्वेश्चन है वो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में। क्वेश्चन है आपके सामने, चार स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है वो पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट आपके सामने दिया गया है कि जो प्लेट टेक्टोनिक जो एक्टिविटीज होती हैं उसकी वजह से पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वो बना है। दूसरा स्टेटमेंट ये दिया गया है कि जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है उसकी जो शेप है वो है होर्सू। होर्सू का मतलब जो घोड़े की नाल होती है उस टाइप की शेप। तीसरा स्टेटमेंट ये कहा गया है कि जो माउंट स्पूतना है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर ही अभी न्यूज में था। चौथा ऑप्शन ये कहा गया है कि वर्ल्ड के 10% जो अर्थक्वेक है, भूकंप है, वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आते हैं। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन आपके सामने है 1 और 2, 1 2 3, 2 3 4 और 1 2 3 4। तो ये देखो, ये थी आज की हमारी डिस्कशन, और क्वेश्चन के बारे में जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करें। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।